दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हम जिंस प्रस्ती आम है। मर्द मर्दों के साथ और औरतें दूसरी औरतों के साथ ना सिर्फ अपनी जिंसी ख्वाहिश पूरी करते हैं बल्कि आपस में शादियां भी करते हैं। कई मुल्कों ने इसे लीगल करार दे रखा है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वो कौन था जिसने सबसे पहली दफा बदफेली करवाई। हम जिंस प्रस्ती सबसे पहले कौम लूत ने शुरू की। ये कौम फहाशी और बेहयाई के अलावा बहुत सारे गुनाहों में मुबतला थी। दुनिया की कोई ऐसी बुराई न थी जो इनमें मौजूद ना हो। ये दुनिया की सरकश, मुतमर्रद और बद अखलाक कौम थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया इनकी बस्तियों को उलट दो। कुरान मजीद में कई जगह इस कौम का जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला ने उल्टी हुई बस्तियों के अल्फाज में इस कौम का जिक्र किया है। ये कौम उस जगह आबाद थी जहाँ आजकल बहरा मुर्दार मौजूद है। फ्रेंड्स, डेड सी या बहरा मुर्दार, जिसे मौत का सागर भी कहा जाता है, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ने अपना अजाब नाजल किया। हजारों साल गुजरने के बाद भी डेड सी में कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगजीदा नबी थे। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। कौम लूत 5-6 बड़े शहरों में आबाद थी। सदूम और अमूरा दोनों शहर डेड सी के साहल पर आबाद थे। इस वक्त इन शहरों में हर एक की आबादी 1,00,000 से ज्यादा थी। सदूम को इन तमाम शहरों का मरकज और दारुल हुकूमत समझा जाता था। कुरैशी मक्का अपने शाम के सफर में इसी रास्ते से आते जाते थे। ये इलाका बहुत जरखेज था। अल्लाह ताला ने इन्हें वाफर नेमतों से नवाज रखा था। इनके पास हरी भरी फसलें, लहलहाती खेतियां, चिरिंद परिंद, बागात और मेवाजात की कसरत थी। आसपास के लोग भी अपनी गजाई जरूरियात के लिए इन शहरों का रुख करते। अहले सदूम को इस बात पर बहुत गुस्सा आता। उनका ख्याल था इन नेमतों पर सिर्फ उनका हक है। शैतान ने इनकी इस ख्वाहिश का फायदा उठाया और एक दिन बुजुर्ग की शक्ल में इनके पास आया और इनसे कहने लगा, अगर तुम मेरी बात मानो तो ये लोग तुम्हारे शहरों में आना छोड़ देंगे। और कौमे लूत को हम जिंस प्रस्ती के लिए आमादा किया और अगले दिन आने का कहकर चला गया। दुनिया में सबसे पहली बदफेली शैतान ने खुद अपने साथ करवाई। इससे पहले किसी इंसान ने ये गंदा काम नहीं किया था। अगले दिन शैतान हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में एक खूबसूरत और हसीनो जमील लड़के की शक्ल में आया, उन लोगों को अपनी जानब माइल किया और अपने साथ बदफेली जैसा गंदा काम करवाने में कामयाब हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इस काम के आदि हो गए। ये लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था। आपके वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे, इसीलिए आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पाला। जब अल्लाह ताला ने आपको अपना नबी मबूस फरमाया तो आपको अहले सदूम की इस्लाह के लिए भेजा गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौजजात हैं। जब आप किसी पत्थर पर सर रखकर सोते, उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता। जब आप बारिश के लिए दुआ करते तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती। अहले सदूम इतने जालिम थे कि वो काफलों को लूट लेते। अगर कोई भूला भटका मुसाफिर इनके इलाके में आ जाता तो वो फाकों से मर जाता। ये लोग उसके कपड़े तक उतार लेते और उसकी लाश को बरहना छोड़ देते। इस कौम के बगड़ेल दौलतमंद, अमीर गरीब, हर तबके के लोग हम जिंस परस्ती के आदि हो चुके थे। इनकी कोई महफिल ऐसी ना थी जहां ये इस बदफेली को अंजाम ना देते हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इन लोगों को तौहीद की दावत दी और उनको बेहयाई और फहाशी के कामों से मना किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। तुम बदफेली जैसे गुनाह से बाज आ जाओ। तुमसे पहले आज तक किसी कौम ने ये गुनाह नहीं किया। आपने पिछली कौमों की बद अमालियों की वजह से उन पर आने वाले अजाब को बताकर इन्हें इबरत दिलाई, लेकिन इन पर कोई असर ना हुआ, बल्कि उल्टा तंज करते हुए ये कहने लगे, ये बड़े पाकबाज लोग हैं, इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। और कहने लगे, अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आ। इधर ये हो रहा था, दूसरी जानब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। चूंकि आप मेहमानों के बगैर खाना नहीं खाते थे, आपने उनको खाना खिलाना चाहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।
आप परेशान हो गए तो मेहमानों ने बताया कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, आपके लिए बेटे की बिशारत लाए हैं और कौमे लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनमें अल्लाह का नबी मौजूद है। तो उन्होंने कहा, अल्लाह का यही हुक्म है, लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले लोग महफूज रहेंगे। फरिश्ते जब सदूम पहुंचे तो ये नौजवान और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। आपकी बेटी इन्हें अपने घर ले आई। जब लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें देखा तो परेशान हुए कि ना जाने कौम अब इनके साथ क्या मामला करेगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो मुनाफिक थी, उसने कौम के बिगड़ेल सरदार को खूबसूरत लड़कों के बारे में बता दिया। इन लोगों ने आपके मकान को घेर लिया और कहने लगे, लड़कों को हमारे हवाले करो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया कि तुम इन लड़कों को छोड़ दो, मेरी बेटियां तुम्हारे लिए हलाल हैं, तुम इनसे निकाह कर लो, लेकिन वो ना माने। आप फिर परेशानी में कहने लगे, काश मेरे पास कोई मजबूत सहारा होता ताकि मैं इन्हें रोक सकता। फरिश्तों ने इन्हें परेशान देखकर कहा, आप घबराएं नहीं, हम इंसान नहीं हैं बल्कि फरिश्ते हैं और इनके अजाब के लिए नाजल हुए हैं। एक फरिश्ते ने बाहर खड़े लोगों को अपने पर की नोक मारी तो सबको नजर आना बंद हो गया। उनकी बसारत जाया हो चुकी थी जो बदफेली की नीयत से आए थे। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, अभी सूरज निकलने में काफी वक्त है, आप अपने लोगों को लेकर बस्ती से निकल जाएं और कोई पीछे मुड़कर ना देखे। आपकी बीवी भी इन लोगों में शामिल थी। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं पत्थर की हो गई। फरिश्तों ने पूरी बस्ती को अपने परों पर उठाया और इतनी ऊंचाई तक ले गए कि अहले आसमान ने बस्ती के जानवरों की आवाजें सुनी। फिर फरिश्तों ने पूरी बस्ती को उलटकर जमीन पर दे मारा। इसके बाद पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। ये पत्थर इनके सरों पर पड़ते जिससे इनके सर पाश पाश हो जाते। कौमे लूत की इन बस्तियों को अल्लाह ने स्याह और बदबूदार झील में तब्दील कर दिया, जिसे आज डेड सी कहा जाता है। क्यामत तक अब इससे कोई नफा नहीं हासिल कर सकता, कोई जानदार यहाँ जिंदा नहीं रहता। ये इसराइल और उर्दन के दरमियान मौजूद है। सारे कदीमा के माहरीन ने बड़ी तहकीक के बाद इस शहर को दरियाफ्त किया। तहकीकात से पता चला कि जब ये शहर तबाह हुआ तो लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक लोग आनन फानन मौत के मुंह में चले गए, जिंदगी अचानक खत्म हो गई थी। अहले सदूम के बुत अब भी डेड सी के किनारे मौजूद है, जो क्यामत तक लोगों के लिए इबरत है। एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो शैतान ने कहा, जब मर्द मर्दों से बदफेली करें और औरत दूसरी औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करे। आज यहूदी और ईसाई मुल्कों, यूरोप और अमेरिका में इंसानी आजादी के नाम पर हम जिंस परस्ती को लीगल करार देकर बकायदा ऐसी शादियों की इजाजत दी गई है। रूए जमीन पर सबसे मोहतरम और काबिले इज्जत हस्ती इमामे कायनात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशादे ग्रामी है, इस पर अल्लाह की लानत हो जो कौमे लूत वाला फेल करे।